तो ये वैल्यू आ गई साइन हाइपरबोलिक क्यूब कोटी की। साइन हाइपरबोलिक क्यूब कोटी की वैल्यू क्या है? साइन हाइपरबोलिक 60 माइनस 3 साइन हाइपरबोलिक कोटी है बाय 4। तो यहाँ पे मुझे जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है वो किसका निकालना है? साइन हाइपरबोलिक क्यूब कोटी। साइन हाइपरबोलिक क्यूब कोटी की वैल्यू यहाँ से उठा करके मैंने यहाँ रख दी। अब मैं क्या कर रहा हूँ, लीनियर प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहा हूँ। लीनियर प्रॉपर्टी से यहाँ देखो 1 है, यहाँ बटा में 4 है, तो 1/4 बाहर आ गया। लाप्लास ट्रांसफॉर्म में किसका निकाल लूंगा? साइन हाइपरबोलिक 60 का। यहाँ पे 3 है, यहाँ बटा में 4 है, तो 3/4 बाहर आ गया। लाप्लास ट्रांसफॉर्म में किसका ले लूंगा? साइन हाइपरबोलिक 2t का। हम जानते हैं कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म जो होता है साइन हाइपरबोलिक at का, वो क्या होता है? a अपॉन s स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तो यहाँ पे a की वैल्यू यहाँ पे क्या है? 6। तो 6 अपॉन s स्क्वायर माइनस 36 हो जाएगा। यहाँ पे 3/4 बाहर है, तो यहाँ पे साइन हाइपरबोलिक 2t, यहाँ a की वैल्यू क्या है? 2। तो a अपॉन s स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। यहाँ 2 को मैंने 4, यहाँ 4 को मैंने 2 से डिवाइड कर दिया, तो यहाँ 2 बचा। यहाँ 6 और 4 को 2 से डिवाइड किया, तो यहाँ 2 आ गया, यहाँ 3 आ गया। तो 3 बटा, यहाँ 2 बचा 2 एस स्क्वायर माइनस 36, यहाँ 3/2 एस स्क्वायर माइनस 4। यहाँ 3/2, 3/2 बाहर कॉमन आ गया। यहाँ एलसीएम आ जाएगा एस स्क्वायर माइनस 36 एंड एस स्क्वायर माइनस 4। यहाँ आएगा एस स्क्वायर माइनस 4, 1 बचाना है यहाँ पे, माइनस यहाँ 1 बचेगा, ऊपर 3/2 तो कॉमन ले लिया, तो यहाँ 1 बचेगा, तो एस स्क्वायर तो आ जाएगा माइनस का, और माइनस माइनस 36 हो जाएगा प्लस का। एस स्क्वायर से एस स्क्वायर कैंसिल, 36 में से 4 गए तो 32। तो 32 इंटू 3/2, बाकी ये वैल्यू एज इट इज, इसको 2 से डिवाइड कर दिया 32 को, तो बचे 16। 16 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर जो वैल्यू आई नीचे वैल्यू सेम, आंसर आ गया। तो अगर आपको ये मेरा लेक्चर अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियोस को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।